हर्यों, हर्यों, हर्यों। नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को बिना दवाई के ठीक करने की विधि बता रहा हूँ बहुत मुश्किल बातें नहीं बताऊंगा दो चार बातें हैं ध्यान से समझ लीजिए पेट की पट्टी लगानी है क्योंकि पेट खराब होने की वजह से ही नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार हुआ है पेट की पट्टी लगानी है सूती कपड़ा खादी भंडार से मिल जाता है हाथ की बुनी हुई खादी होनी चाहिए एक मीटर चौड़ा ढाई मीटर लंबा इस तरह का सूती कपड़ा ले लीजिए इसको ताज़े पानी में भिगोइए अच्छे से निचोड़िए और पेट के चारों ओर लपेट लीजिए कैसे पेट के चारों ओर लपेटने से क्या होने वाला है जहाँ पर हम लपेटेंगे इधर की तरफ तापमान कम हो जाएगा साइंस का जो नियम है कि जिधर तापमान कम हो जाए उधर की तरफ खून का दौरा बढ़ जाता है यहाँ पर हमने ये पट्टी लगाई अपनी नाभि के आधा ऊपर आधा नीचे हमारे पाचन तंत्र से संबंधित सभी जरूरी ज़रूरी ऑर्गन यहाँ पर हैं हमारा स्टमिक लीवर किडनी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पेनक्रियाज़ गोल ब्लैडर्स सब कुछ यहाँ पर है पट्टी लगाने से इधर की तरफ खून का दौरा बढ़ जाएगा इन अंगों के काम करने की शक्ति बढ़ेगी यहाँ पर कोई सूजन होगी वो उतर जाएगी और आंतों में अगर मल होगा वो अपना स्थान छोड़ेगा मतलब कब्ज़ टूटेगी ये कपड़ों के ऊपर पट्टी लपेट के दिखा रहे हैं आप अंदर लपेटेंगे जे पट्टी को सूखी पट्टी लपेट के दिखा रहे हैं आप ताज़े पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ के लगाएंगे आप अगली बात पूछ सकते हैं सर्दियों में भी ठंडी पट्टी लगाओगे बिल्कुल लगाओगे बाहर गर्मी बाहर सर्दी है अंदर गर्मी है उसी की वजह से हम बीमार पड़े हैं तो सर्दियों के अंदर पेट के ऊपर ठंडी पट्टी ही लगानी है और ठंडी पट्टी लगाते समय एक मिनट के लिए ठंडी लगेगी आधे घंटे के बाद जब आप पट्टी उतारेंगे ऐसे निकलेगी जैसे भट्टी में से निकलती हो गरम पेट की पट्टी के साथ साथ एक गले की पट्टी ताजे पानी में भिगोइए अच्छे से निचोड़िए अगर गले में कोई ख़राबी हो इस तरह की एक पट्टी गले पर लपेट लीजिए इसी के साथ साथ एक माथे की पट्टी अगर सर में दर्द हो ताज़े पानी में भिगोइए अच्छे से निचोड़िए माथे पे लपेट लीजिए कहीं मोच आ जाए कहीं फोड़ा फुंसी हो जाए कहीं जख्म हो जाए सभी जगह इस तरह की पट्टियाँ लपेट के हम काफ़ी लाभ ले सकते हैं अगर आप किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में दाखिल होंगे वहाँ मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है मिट्टी की पट्टी से भी पानी को आधा घंटा रोकना है कपड़े की पट्टी से भी पानी को आधा घंटा रोकना है काम वही बनना है मिट्टी घरों में लगानी मिट्टी की पट्टी मुश्किल है और कपड़े की पट्टी आसान है इस तरह की पट्टियाँ नज़ला जकाम उल्टी दस्त बुखार होने पर आधा आधा घंटे के लिए दिन में चार दफ़ा लगाएं साधारण अवस्था में अगर हम अपने रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो सुबह शाम दो वक्त लगाएं। सभी व्यक्ति इसको लगा सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति भी इसको लगा सकता है ये पट्टियों का पूरा सेट और ये अनिमा सेट हमारी पुस्तकों के साथ मिल जाता है आपकी सुविधा के लिए एक परिवार में एक ही सेट काफ़ी है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं चाहिए और एक ही दफ़ा लेना होता है तो इस तरह की पट्टियाँ लगाएँ आप देखेंगे कि नज़ला जकाम उल्टी बुखार बिना दवाई के ठीक होगा मेरी बात का दूसरा भाग पूरा हुआ अब दूसरे भाग के बाद हम तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं तीसरे भाग में आता है हमारी गलत आदतें तो अगर आपने मेरे को सुनने के लिए बुलाया है इसका मतलब ये नहीं मैं कह दूं कि सभी बरनाले वालों को गलत आदतें पड़ी हुई हैं ऐसा नहीं बीज यूर ओन डॉक्टर हम अपने डॉक्टर आप बने हम खुद फैसला लें कि हमें कोई गलत आदत है या नहीं उसके लिए पहचान क्या है वो बताना मेरा काम है अगर किसी को गैस हो गैस्ट्राइटिस अगर किसी को तेजाब हो एसिडिटी अगर किसी को बलगम हो म्यूकस अगर किसी को कब्ज हो कॉन्स्टिपेशन चारों में से एक भी दिक्कत है तो हम तय दिल से स्वीकार करेंगे हम जो खा रहे हैं वो हाजम नहीं हो रहा खाया गया भोजन अगर हाजम हो जाए तो गैस बनेगा उत्तर नहीं तजाब बनेगा बलगम बनेगा कब्ज होगा नहीं वेरी सिंपल खाया गया भोजन अगर हाजम नहीं हो रहा तो उसके पीछे चार तरह की गलतियां हो सकती हैं पहली गलती बिना भूख के खाना जब तक तेज़ भूख कड़क भूख ना हो ना खाएं, घड़ी को देख देख के ना खाएं, घड़ी को भूख नहीं लगती दूसरी गलती ओवर ईटिंग मात्रा में ज़्यादा खाना के मात्रा में ज़्यादा नहीं खाना तीसरी गलती चिंता में गुस्से में जल्दी में नहीं खाना मन अशांत हो तो नहीं खाना चौथी गलती रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड गलत तरह के खाद्य पदार्थ नहीं खाना गलत तरह के खाद्य पदार्थों को हमने पांच श्रेणियों में बांटा है सबसे पहला गलत पदार्थ नॉन वेज मीट अंडा मांस ये हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है इसको हम अपने भोजन की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे गलत पदार्थ नाशाहार नशाहार किसी भी किस्म का नशा शरीर को नहीं मिलना चाहिए शराब बेड़ी सिगरेट तम्बाकू पान मसाला गुटखा इसके बारे में भी बोलने की ज़रूरत नहीं इसके ऊपर लिखा रहता है पीने पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है पीने वाला छुपके ही पीता है अपने आप समझ जाएगा कुछ ऐसे नशे हैं जो हम करते हैं लेकिन पता नहीं कि ये नशे हैं चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक किसी गलत फहमी में मत रहना कि ये नशा नहीं है पांच किलो दूध लीजिए पांच किलो दूध लीजिए उसमें से मक्खन निकालें कितना निकलेगा हुँ? कोई तो बताओ बहनों में से आधा किलो बहुत बढ़िया उत्तर आया पांच किलो दूध में से आधा किलो मक्खन निकलेगा पाँच किलो दूध में दो चम्मच चाय पत्ती के डाल के उबाल दीजिए कितना मक्खन निकलेगा हुँ? कोई तो बताओ कुछ भी नहीं निकलेगा कहाँ गया हाँ चाय ने खत्म कर दिया हमारा दो चम्मच चाय पत्ती के आधा किलो मक्खन को ख़त्म कर दिया जरा विचार कीजिए सोचिए 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 कि हम एक दिन में कितना खा सकते हैं हम जितना भी अच्छा 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 खाते हैं हम जितने भी काजू पिस्ते बादाम खाते हैं हम जितना भी ये सोच सोच के खाते हैं इसमें विटामिन ए होता है इसमें बी होता है इसमें सी होता है इसमें डी होता है उन सब से आधा किलो मक्खन बनेगा क्या अगर दो कप चाय के पी लिए तो सारा मक्खन खत्म हमारे घुटनों की ग्रीस कहाँ गई जरा बताइए चाय ले गई पहले के दिनों में सत्तर अस्सी साल पहले जब चाय नहीं होती थी तब चाय तब के पंजाबी कैसे होते थे और आज के पंजाबी कैसे हैं ये चाय एक बहुत बहुत बड़ी बीमारी है इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे गुरुदेव जी ने इसीलिए इस आंदोलन को निशुल्क रखा मुफ्त रखा कि अगर हम कुछ फीस लेने लग जाएंगे अगर हम इसको अपना पेशा बना लेंगे तो हमारे शब्दों में वो ताकत नहीं रहेगी हम समझौता करेंगे हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं एक दो कप पी लिया करो कोई समझौता यहाँ नहीं होने वाला है दो तरह के आहार मांसाहार और नशाहार अगर कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो नेचर की ओर द्वारा मैं ठीक हो जाऊंगा ये कल्पना करना बंद करें। हमें ग्राहकों का लालच नहीं है सच्चाई यही है और केवल यही है कि हमें मांसाहार और नशाहार को तो तुरंत छोड़ना पड़ेगा तभी हमारी बात आगे बढ़ेगी मेरे को चिंता नहीं कल कितने आएंगे सच्चाई जही है मांसाहार छोड़ना पड़ेगा नशाहार छोड़ना पड़ेगा दो चीज़ों में बिल्कुल समझौता नहीं करूँगा टोटल पाँच हैं दो में समझौता नहीं करूँगा तीसरा है सफेद चीनी ये हमारे दांतों को और हड्डियों को नुकसान करती है गन्ने में गुड़ में आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम सब कुछ होता है टेस्ट करवा के देखिए चीनी को टेस्ट करवाइए कुछ भी नहीं होता सवाई मिठास के कुदरत का सिद्धांत कुदरत का सिद्धांत है कि कुदरत जब आपको गन्ना देती है कुदरत जब आपको खजूर देती है कुदरत जब आपको आम देती है कुदरत जब आपको अंगूर देती है कोई भी मीठा पदार्थ देती है उसके अंदर उसको हाजम करने का प्रबंध साथ देती है जब हमने उसकी चीनी बनाई हाजम करने वाले प्रबंध को निकाल दिया मिठास को रख लिया परिणाम स्वरूप हमारी हड्डियाँ बेकार हमारे दांत बेकार छोड़ना पड़ेगा कुछ लोग अगर मीठा खा लेते हैं मिठाई वगैरह तुरंत उनके दांतों में दर्द होता है वैसे नहीं होता ऐसा कोई हो तो हाथ खड़ा करे मीठा खाने से दर्द होता है दांतों में नहीं फिर मैं बात ही नहीं बताऊंगा कल करेंगे हाँ हो रहा है ना हाथ खड़ा एक और भी कोई हाथ खड़ा हो रहा है मीठा खाने से दांतों में दर्द होता है वैसे नहीं होता मीठा खाने से होता है मिठाई चीनी कारण क्या है एक हाथ खड़ा हुआ है चलो बता देते हैं कारण क्या है जैसे ही हम चीनी लेते हैं तुरंत उस पदार्थ को चीनी को हाजम करने के लिए हमारे शरीर को अपने कैल्शियम को देना पड़ता है सबसे नजदीक तो दांत हैं चीनी के दांत तुरंत अपना कैल्शियम दे देते हैं जिनके दांत कमज़ोर हैं जिनके अंदर पहले ही कैल्शियम की कमी है उनको तुरंत दांतों में दर्द हो जाता है अमीर व्यक्ति अगर फजूल खर्ची करे वो गरीब तो होगा लेकिन जल्दी नहीं होगा गरीब व्यक्ति अगर फजूल खर्ची करे तुरंत पता चलेगा जिसके दांत गरीब हैं उसको तुरंत पता चल जाता है कि मैंने गलती करी है ये साइंस बहुत गहरी है हम रुपए पैसे में हमारा शरीर प्राण शक्ति के द्वारा संचालित है हम रुपए पैसे में हर टाइम बचत करते हैं हम दो व्यक्ति बाज़ार में जलते हैं वहाँ पर सब्जी मिल रही है गाजर मिल रही है वो कहता है पचास रुपये चालीस रुपये किलो है मान लीजिए चालीस रुपये किलो है एक व्यक्ति को दस हजार रुपए महीने की आमदन है और एक को एक लाख रुपए महीने की आमदन एक लाख वाला ये कहता है मेरे को तो आमदन ज्यादा है मेरे से दस रुपए फालतू ले ले कहता है नहीं क्यों हमारे पास पैसा कितना ही हो पैसे की बचत करने की आदत हमारे स्वभाव में शामिल है इसीलिए जल्दी जल्दी किसी का दिवाला नहीं निकलता सारी उम्र पैसा हमारे पास खर्चा करने के लिए रहता है सभी के पास लगभग सेहत के मामले में उल्टा है सेहत के मामले में उल्टा है अगर बच्चे दो समोसे खाते हैं उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हम आधा समोसा खाते हैं हमें खट्टे डकार आते हैं तेजाब बनता है तो जब बच्चे हमारे सामने समोसा खाते हैं कोई सफ़ेद बाल वाला मेरे जैसा मैं साधु सन्यासी नहीं हूँ आश्रम में नहीं रहता आप जैसा हूँ आपका भाई हूँ अपने परिवार में रहता हूँ अपना काम धंधा करता हूँ मैं यही काम भी नहीं करता ये शनिवार एतवार को ही करता हूँ दिल्ली में सुबह सुबह बारह बजे से पहले करता हूँ उसके बाद अपना काम करता हूँ ये मेरा मिशन है ये मेरे गुरु की सेवा है ड्यूटी लगा रखी है कर रहे हैं और जितने मेरे साथ आते हैं वो भी सब ऐसे ही हैं तो मेरे को सब पता है कि हमारे घरों में क्या होता है तो हमारे घरों में क्या होता है अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति बोलता है समोसा मत खाओ तो कोई दूसरा बोलता है आप मत खाओ आपकी उम्र हो गई इनकी तो खाने पीने की उम्र है इनको तो खाने दो मतलब आपका दिवाला निकल चुका है आप बचत कीजिए इनका दवाला निकलने का इंतजार कीजिए कब बचत करेंगे जब इनका दिवाला निकल जाएगा दिवाला निकलने के बाद पैसे की बचत करें तो कितने लोग दोबारा से खड़े हो सकते हैं बहुत कम चांस हैं जैसे हम रुपए पैसे में दिवाला निकलने का इंतजार नहीं करते पहले से बचत करने की आदत हमारे स्वभाव में शामिल है हम कभी नहीं कहते मेरे बैंक में तो बहुत पैसा है मेरे से फालतू पैसे ले लो सब्जी वाले को फल वाले को ठीक ऐसे ही सेहत के मामले में अगर हम इसी तरीके से सेहत को बचाने की आदत डालें कि कहाँ कहाँ से हम सेहत को बचा सकते हैं कहाँ कहाँ हम सेहत को संभाल सकते हैं तो जैसे रुपए पैसे में किसी का दिवाला नहीं निकलता एक्सेप्शनल केस अलग ऐसे सेहत के मामले में किसी का दिवाला नहीं निकलेगा ग्रंटड मेरी बातों को कौन सुनते हैं ध्यान से चालीस पचास साल के ऊपर वाले नीचे वाले जा तो आते नहीं आते हैं तो सुनते नहीं सुनते हैं तो मानते नहीं चालीस पचास वालों को कुछ झटके लग चुके हैं उनको कुछ बाईपास हो चुकी है कुछ स्टंट डल चुका है किसी डॉक्टर ने डरा दिया है कि नहीं बात बनेगी ये बाईपास भी नहीं दोबारा हो जाएगी वो डर के मारे सुनते रहते हैं ये समाज को बदलना पड़ेगा इस आंदोलन को तेज करना पड़ेगा छोटे बच्चों को जहां लाना पड़ेगा नौजवान बच्चों को लाना पड़ेगा उनको ये विद्या समझानी पड़ेगी और उन्हीं की भाषा में समझानी पड़ेगी तो जब हमारे छोटे बच्चे इस बात को समझेंगे तब हम मानेंगे कि हम अपने मिशन में सफल हैं अभी काम अधूरा है तो आइए विषय चल रहा है सफेद चीनी नहीं खाना चौथा गलत पदार्थ वनस्पति घी रिफाइंड तेल घी नहीं खाना सरसों मूंगफली या तिल का तेल अपना निकलवा के इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे बढ़िया फैट अनसेचुरेटेड फैट कच्चे नारियल की गिरी इसको इस्तेमाल कीजिए अगला गलत पदार्थ डिब्बा बंद बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों के डाबों के रेस्टोरेंटों के बाजार के खाने नहीं खाना इनके अंदर प्रजर्वेटिव्स होते हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए लंबी देर तक डाला जाता है इनके अंदर रंग डाले जाते हैं ताकि हमें देखने में सुंदर लगे हम ऑरेंज कुल्फी खाते हैं मुंह ऑरेंज रंग का हो जाता है एक दर्जन ऑरेंज खाने के बाद भी मुंह ऑरेंज रंग का नहीं होता हमारे ऑरेंज कुल्फी में ऑरेंज नहीं है मैंगो फ्रूटी में मैंगो नहीं है केसर के लड्डुओं में केसर नहीं है केसर का रंग है, मिठाई की दुकान पे लिखा रहता है केसर के लड्डू पूछो उससे क्या डाला है केसर का रंग लिखना चाहिए केसर के रंग के लड्डू अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः सात बजे से दस बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग ले निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री पेट की पट्टी डीवीडी एम एनीमा, थ्री एनिमा स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफ स्टाइल एच थर्टी टू ऑब्ले ट्वेंटी टू सेक्टर थ्री रोहिणी नियर विश्राम चौक दिल्ली वन वन जीरो जीरो एट हमारे फोन नंबर है जीरो डबल वन टू सेवन फाइव वन जीरो सेवन सेवन वन जीरो नाइन नाइन फाइव थ्री सेवन डबल टू टू सेवन टू